दक्षिण पश्चिम मौसुमी फेरिजार समय उपनीत होते एवंशार पापागर पर सहित बंगोपसगर में घन घन लघुचाप जो मौसुमी सक्रिय रही फल राज्य में बर्षा लग रही एथजूँ चलित बर्ष राज्य मौसुमी फेरबारे विलंब होग विज्ञानी आकलन कर बंगोपसगर में सृष्टि होता लघुचाप प्रभाव विभिन्न स्थान में वर्षा लग रही बेले सप्ताह भितर आउ एक लघुचाप सृष्टि होगा पापाग पक्षर सूचना मिली तेज आज कौ कौ जिले में वर्षा लग रही कौ कौ जिले में वर्षा हे डिटेल्स भाव में आपज पाइपर इसलिए भिडियो को लाजे देखूँ ता पूर्व भिडियो गोटे लाइक करनी चैनल नुआ अच्छा एवं ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करने कारण आपन को नोटिफिकेशन मध्यम सब भिडर अपडेट मिल जाव। उत्तर आंडामान सागर एवं संलग्न पूर्व केन्द्रीय बंगोपसगर में आसंता 9 तारीख सुधा आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही उत्तर पश्चिम मुहाँ उत्तर आंध्रप्रदेश और उपकूल ओडिशा गति कर लघुचाप सृष्टि होवार दुई तीन दिन मध्य अवपादे परिणत होवार संभावना देती यह प्रभाव में 11 13 तारीख मध्य प्रबल वर्षा प्रकोप बढ़ो भारतीय पाणीपाग पक्षर आकलन कर तबे ओडिशा उपकूल में लघुचाप प्रभाव में आज राति और आसंता काली सका सुधा गजपति गंजाम रायगड़ा कलाहांडी कंधमाल बौद्ध बलांगीर ढेंकानाल अनुगुल पुरी खोर्धा भद्रक कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा बालेश्वर और भद्रक जिले में प्रबल वर्षा होवार संभावना रही परवर्ती 24 घंटे नवरंगपुर रायगड़ा कलाहांडी कंधमाल गंजाम नुआपड़ा बलांगीर बरगढ़ संबलपुर सोनपुर अनुगुल और केन्दुझर आदि 12 जिले में प्रबल वर्षार संभावना देती आंचलिक पाणीपाग विभाग वर्षा सहित विभिन्न स्थान में वज्रपात संभावना थवसबू जिला येलो वार्निंग जारी करपटे वर्षा पवन आशंका थी समुद्र अशांत रेणु आसंता 24 घंटा पर्यंत मत्स्यजीवी समुद्र को न जावाई सतर्क कर तेज 9 तारिखर आउ एक लघुचापर संभावना थी जनसाधारण को सतर्क रहा परामर्श दे पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेन्द्रनाथ पशुपालक आकलन करते 9 तारिख लघुचाप सृष्टि यह प्रथम दुई दिन उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी अधिक घनीभूत हो पारे एवं यह प्रभाव में सामुद्रिक बात्या उपजी पारे तो डिटेल्स अब न्यूज पाइले वीडियो को एवं गोटे लाइक करनी परिवार सहित शेयर करें सब्सक्राइब करते सब्सक्राइब कर घंटी आइकन क्लिक करने कारण आपको नोटिफिकेशन मध्यम ये वीडियो देखा मिल जाव।